नमस्कार खांडी ओडिया रेसीपी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम बिना पिज रसुण में दक्षिण ओडिशा प्रसिद्ध आंबिल प्रस्तुत करवा। आंबिल को पूजा पर्व दिन मानक अरहत सहित खाइले बहुत बढ़िया लगी था। यह आंबिल स्वाद और प्रस्तुति प्रणाली पश्चिम ओडिशा बनुवा आंबिल ठार बहुत अलग होता है। पश्चिम ओडिशा आंबिल रेसीपी वीडियो मो चैनल आगु अपलोड अच्छी। जदि आपण ये भिडियोटी को देखी ना तेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दि जाइए लिंक में क्लिक करके आपण भिडियोटी को देखिपर वो आज वीडियो को आरंभ करने पूर्व आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आप नुआ भिडस नोटिफिकेशन पाइपर तेज आसत देखने आज जेहेतु शीत दिन मिलता किसी खास पर नहीं आंबिल को प्रस्तुत कर तेणु पर कखारु ये सब पर काटा पूर्व भल भाव धोई नहींपर छोट छोट खंड कर कषि कखारु नहीं कखारु को चोपा सहित काटि सहित नीचे किसी कटा सारू मूला कंदमूल बैगण भेंडी दक्षिण ओडिशा प्रसिद्ध आंबिल स्वाद जेहेतु खटा और मीठा होता है तेणु ये खटापी कि तेतुली नहीं अल्प पा दे कि आम कि समय पर बतुरी नवा यापर हाथ में आम यह चकुटिक यार मंजी और खदड़ अंश को अलग करने और तेतुली रस को बाहर करना यह सहित तो स्वाद अनुसार अधा कप्रु टे अधिक गुड़ नहीं आप निज पसंद अनुसार तेतुली और गुड़र परिमाण को कम कि बेसी करमक स्वाद अनुसार लुण हाफ टी स्पून लंका गुंड हाफ टी स्पून हलदी गुंड दरकार व स्वाद अनुसार लंका गुंड और स्वाद अनुसार हलदी गुंड दरकार बघारिया वन टी स्पून पंच फुटन दुई रु तीन टी शुखला लंका आवश्यक मुताबक सादा तेल नहीं हाफ टी स्पून हेंगो वन टी स्पून अदा छेचा नहीं भृसंग पत्र नहीं गार्निश करने कि धनिया पत्र नहीं प्रथम यहपर गोटे कुकिंग पैन में पर अनुमान कर दुई बड़ ग्लास पा पकईने यह सहित स्वाद अनुसार हलदी गुंड और लंका गुंड को पकई गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखी पा को फुटापी छाड़द पानीटी यहपर फुटी आसले आम बैगण और भेंडी को छाड़ अन्य सब कटा पर पकईने पर गुड़ी पकईवापर आम गैस फ्लेम को हाई रखी यह कि समय पर फुटापी छाड़द पा जितेबले पर सहित यहपर भल भाव फुटी आस सेते बेले आमे कटा बैगण स्वाद अनुसार लुण और अदा छेचा को एथिरे पके नबा एहा को एपरि आमे थरे भल भाव मिक्स कर नबा गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखी गोटे घोड़नी दे एहा को आमे घोड़े नबा बैगण गुड़िक सीझिक भल भाव नरम हवा जाए आम यह पांच मिनिट पर कुक करने बैगण गुड़िक जितेबड़ेपर सीझिक नरम होते आम गैस फ्लेम को लो मीडियम रखिने और पर गुड़ भल भाव सीझा जाए आम यह आउ दस मिनिट पर कुक करने पर गुड़िक सीझा भितर एवं चलत आम भेंडी गुड़ी भाजी नवा भेंडी को भाजापर गोटे कुकिंग पैन में आम कि तेल नवा तेल को भल भाव गरम हाँप दबा तेल गरम हो गला आम ए धोईक रखि कटा भेंडी को पकईने गैस फ्लेम को मीडियम रखी भेंडी को आम तीन रु चार मिनिट पर भल भाव भाजी नवा यहपर आम गैस फ्लेम को लो मीडियम रे रखी स्वाद अनुसार किसी लुण और हलदी गुंड को पकईने और भेंडी गुड़ को सीझा जाए आम चारि तरफ यह भल भाव भाजने भेंडी गुड़ यहपर भल भाव भाजी हो गलापर आम यह गोटे प्लेट को काढ़ी नवा एवं चलत सीझाप रखि पर देखने
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଚୁଲା ବା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ କଖାରୁ ଓ ବାଇଗଣକୁ ଟିକିଏ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବିଳର ଝୋଳଟି ଟିକିଏ ପହଳିଆ ବନିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଗୁଡ଼ ଓ ଭଜା ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଆମେ ଏହାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ଆପଣ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିନେବେ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମ୍ବିଳ ସହିତ ଆପଣ 3-4 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସିଝିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସାରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଛୁଙ୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏହାର ଛୁଙ୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକିଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିଥିଲି ସେ ସମାନ କୁକିଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1.5 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏହି ତେଲକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଓ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ନେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏହିପରି ଭାଜି ହୋଇଆସିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେଙ୍ଗ ଓ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ 1/2 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ବଘାରିବା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କଟି ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଆମ୍ବିଳକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମ୍ବିଳଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିନେବା। ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତେବେ ଆଶା କରି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ୍ବିଳ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।